जी तो दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद और आज के दिन हम बात करेंगे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो देखा जाए स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट्स है, 40% जैसा उछाल इसने पिछले 5 दिन में दे चुका है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप देखिए न्यूज़ बेसिस पे बताऊँ तो यस बैंक ने इसको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट दिया है, इस वजह से ये मूवमेंट देखने को मिला है। और टेक्निकल बहुत ही अच्छा हिट हुआ इसका टारगेट, तो वो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और देखा जाए इसके अगला टारगेट तो स्टॉक अब माइनस में जाएगा। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। हाँ ऑल टाइम हाई नहीं कहूँगा मैं इसको, आप देख सकते हैं इससे पहले भी जा चुका है, लेकिन 52 वीक के हाई के आसपास है। आप देखेंगे 17.90 और 17.90 52 वीक हाई आपको साफ देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए पिछले 5 दिन के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे आप देखिए 36% जैसी उछाल, जैसे मैंने कहा था ये उछाल आ सकती थी, और हाई 6 महीने में बढ़िया उछाल है आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक इतने मूवमेंट में नहीं आया था 6 महीने में, आप देख सकते कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। 1 साल में भी 19% ही पॉजिटिव है, 5 साल की बात करें उसमें गिरावट है, क्योंकि स्टॉक 100 से आप देख सकते कितना गिरा है, 100 से ये स्टॉक डायरेक्ट 4 रुपये पे, 1 रुपये पे नहीं, 4 रुपये पे, 3 रुपये पे आ चुका था, फिर एक जंप आया वहाँ से तो वो 200-300% का था। और अगर फाइनेंशियल बात करें तो वो फाइनेंशियल इतने बेहतर नहीं रहे हैं, हर फाइनेंशियल में कुछ तो कुछ लॉस देने की कोशिश की और लॉस ही देता है, तो इसलिए स्टॉक प्राइसेस इतना लो जा सकती है। मंडे के दिन अगर टारगेट की बात करूँ तो 17 पॉइंट देख सकते हैं, 80 या 60 का भी टच कर सकता है। और अगले हफ्ते की बात करूँ तो वापस ये 16 पर भी आ सकता है। तो हाँ ये मूवमेंट है, अगले पूरे सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे सितंबर एंड होते होते ये 16 रुपये पे भी आ सकता है वापस। और हफ्ते भर की बात नहीं करेंगे, अब बात करते हैं इसके टेक्निकल की डायरेक्ट। तो आप टेक्निकल के अंदर अगर देखा है तो मैं आपको टेक्निकल के अंदर दिखाना चाहूँगा कि कहाँ इसके अंदर गिरावट या उछाल देखने को मिली थी फाइनली, उसी के बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा टेक्निकल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, इस वजह से सॉरी कहना चाहूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।